बिहार में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी हलचल तेज है। सदन में शक्ति परीक्षण से पहले सभी दल अपनी तैयारियों को परखने में जुटे हुए हैं। आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। जेडीयू विधायकों की मीटिंग में नीतीश कुमार ने खुद शिरकत की। इस बैठक में वो विधायक भी शामिल हुए जिन्हें लेकर के अब तक तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। वहीं पहले ही इस्तीफे से इनकार कर चुके बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को लेकर भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आरजेडी ने नीतीश को चुनौती देते हुए फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर को हटाने की चुनौती दी है। देखिए, खेला शुरू किया गया उसका अंत होगा और खेल अभी बहुत बाकी है। तो कल तो पता ही चल जाएगा, ये सरकार 24 घंटे की मेहमान है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी के इस बयान ने बिहार की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट से पहले उन्होंने राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दिए और तो और उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया जिससे एनडीए खेमे में खलबली मचनी तय है। महागठबंधन महा मजबूत है, महा विजय करेगा। बिहार के माननीय विधायकों ने ठाना है कि बिहार के भविष्य को बचाना है तो तेजस्वी सरकार बनाना है और ये जो सरकार एनडीए की बनी है इसके भविष्य का नहीं कोई ठिकाना है। इतना ही नहीं, आरजेडी पोस्टर के जरिए भी लोगों तक संदेश पहुंचाने में जुटी है और बता रही है कि बिहार में आरजेडी की सरकार रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। आरजेडी की ओर से ताबड़तोड़ पोस्टर्स बैनर्स जो है वो लगाए गए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स जो हैं वो पटना में चौक चौराहों पर लगाए गए हैं और इस तरीके से पोस्टर्स है, नौकरी मतलब तेजस्वी, भविष्य मतलब तेजस्वी, सकारात्मक राजनीति मतलब तेजस्वी। तो पार्टी की ओर से जो बैनर पोस्टर्स लगाए गए हैं उसमें सीधा सीधा संदेश देने की कोशिश की गई है कि नौकरी, रोजगार और विकास, निवेश को पार्टी मुद्दा बना रही है। लेकिन आरजेडी के दावे और संदेश को जेडीयू ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं दिख रही। नीतीश के करीबी नीरज कुमार ने शक्ति परीक्षण में खेला होने का दावा करने वालों पर पलटवार किया। हम तो उम्मीद यह करते हैं कि कल राष्ट्रीय जनता दल और उसके घटक दल को हिम्मत करके यह बोलना चाहिए कि खेला होवे नहीं, खेला उनके साथ हो गया, कल यह दिखाई पड़ेगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ जाने के बाद से ही आरजेडी के नेता खेला होने का दावा कर रहे हैं, जिसे लेकर सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। तरह तरह के दावे और विरोधी दलों के नेताओं के मेल मुलाकात की खबरों ने सियासी पंडितों को भी उलझा दिया है। एनडीए और महागठबंधन में खींचतान का सिलसिला नॉनस्टॉप जारी है। कोई भी फ्लोर टेस्ट से पहले ना तो अपने पत्ते खोलने को तैयार है और ना ही अपनी तैयारी में कोई कोर कसर छोड़ रहा है। लिहाजा बिहार की सियासत परीक्षा से पहले पिकनिक पार्टी और पाठशाला का नया दौर देख रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपने विधायकों को सेंधमारी से बचाने के लिए हैदराबाद भेजा था, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी विधायकों को दल बदलने से रोकने के लिए पटना में तेजस्वी के आवास पर रखा गया है जहां वो पार्टी कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए गया में प्रशिक्षण शिविर चलाया। तेजस्वी के घर डेरा डाले आरजेडी विधायकों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो लेफ्ट के विधायकों के साथ म्यूजिक पार्टी का लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही उनकी क्रिकेट खेलते तस्वीरें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस के विधायक भी तेजस्वी के आवास पहुंचेंगे, जहां से सभी एक साथ फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा जाएंगे। सरकार को अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर पास कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 122 सदस्य चाहिए, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। पिकनिक पार्टी और पाठशाला के बीच सबसे ज्यादा टेंशन सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को है, जिनके सामने सदन में बहुमत साबित करने के साथ साथ अपनी साख बचाने की दोहरी चुनौती है। नीतीश के करीबी दावा कर रहे हैं कि वो न सिर्फ फ्लोर टेस्ट में पास होंगे बल्कि विरोधियों की कोशिश को नाकाम भी करेंगे।
अरे भाई खेला तो हो गया, अब मेला है नोट खेला है, अब कोई खेला नहीं है। ये दिग्भ्रमित करने के लिए बयान है। आप देखिए कल उसका आपको मिल जाएगा रिजल्ट। तभी अपने एमएलए को रात से बंद करके रखा है उन्होंने, इसे उनको ना डर है जी। जो लोग अपने विधायक को बंद करके रखे हैं, घर पर रखे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, मोबाइल बंद किए हुए, तो डर उनको है। अब वही कह रहे हैं खेला होगा। इस बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हमने विहिप जारी कर अपने विधायकों को एनडीए के समर्थन में वोट करने के निर्देश दिए हैं। हम का दावा है कि फ्लोर टेस्ट में खेला का दावा के पीछे आरजेडी का डर छिपा है। अगर आप में जीत में इतना ही आपको विश्वास है तो सबको बुला के मीटिंग के बहाने सबको कह दिए कि एकाएक आप यहीं रहो, कहीं मत जाओ। क्या मतलब इसका? इसका मतलब साफ है कि वो हारे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। विश्वास मत से पहले शय और मात का खेल जारी है। हर पार्टी अपने विधायकों को सेंधमारी से बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि कुछ विधायकों के पाला बदलने या गैर हाजिर रहने से ही सदन में बहुमत का गढ़ बदल सकता है। पटना से रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे संवाददाता प्रशांत झा पटना से इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, कल हालांकि फ्लोर टेस्ट, लेकिन उससे पहले आज नंबर गेम में कौन अव्वल होता नजर आ रहा है? हर कोई कोशिश कर रहा है अपने अपने विधायकों को आइसोलेट करके रखा हुआ है तमाम पार्टियों ने, क्या खबर वहां से? देखिए प्रिया, जो नंबर का गेम आप कह रहे हैं, उस नंबर गेम के हिसाब से एनडीए के जो गठबंधन है वो सबसे आगे है, क्योंकि उसके पास 128 विधायकों का समर्थन है और ये सबसे बड़ा अभी गठबंधन है। और आपको बता दें कि 28 जनवरी को जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर सरकार बनाई थी तो 128 विधायकों की सूची उन्होंने राज्यपाल को सौंपी थी और इसी के बाद ये उनको मुख्यमंत्री बनने का न्योता मिला था। तो ये सीधे तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी के 78 विधायक हैं, जबकि जेडीयू के पास 45 विधायक हैं और हम पार्टी के पास 4 विधायक हैं और एक निर्दलीय का समर्थन अभी एनडीए को प्राप्त है, कुल मिला के 128। दूसरी तरफ आप अगर देखें तो आरजेडी गठबंधन, जो महागठबंधन है, उसके पास 114 विधायकों का समर्थन है। इसमें खुद आरजेडी है, कांग्रेस के 19 विधायक हैं, सीपीआई एमएल के 12 विधायक हैं, सीपीआई के 2 हैं और सीपीएम के 2 हैं। इसके साथ एआईएमआईएम के 1 विधायकों का भी समर्थन उनको मिल सकता है। तो ये स्थिति है बिहार के विधानसभा की अभी। लेकिन जिस तरह से लगातार दावे किए जा रहे हैं खेला का, तो खेला ये है कि अब कोशिश होता क्या है। एनडीए तो आश्वस्त है, ये मान के चल रही है कि फ्लोर टेस्ट उन्हीं के हक में होगा, जीतेंगे वो। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो मीटिंग आज हो रही है जेडीयू के विधायकों की, कितने पहुंचे हुए विधायक उस मीटिंग में? देखिए प्रिया, जो जेडीयू के 45 विधायक हैं उसमें से लगभग 43 विधायक वो पहुंच चुके थे और 2 विधायक रास्ते में थे जिनको वहां पहुंचना था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही ये तमाम विधायकों को आज वहां मीटिंग में मूल मंत्र देने वाले थे। क्योंकि आरजेडी दावा कर रही थी जेडीयू के कुछ विधायक उनके कांटेक्ट में है, लेकिन बता रहे हैं आप 45 में से 43 पहुंच गए थे और 2 के संपर्क में नीतीश कुमार खुद थे जो पहुंचने वाले थे, रास्ते में थे। शुक्रिया प्रशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। जीन।